बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। की फिलहाल क्या हाल आप लोग? ठीक है, खैरियत से? रऊफ फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। रऊफ फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। दोस्तों, जिस वक्त की पुरानी फ्रेश अपडेट्स है वो मैं आप लोग की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को एक अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये स्टेटमेंट शाया की गई, और ये स्टेटमेंट आई है ब्रिटिश न्यूज एजेंसी की तरफ से। आप लोग देख सकते हैं इसके मुताबिक तस्दीक की गई कि मलका बरतानिया एलिजाबेथ क्वीन का इंतकाल हो गया। आप लोग देख सकते हैं तस्दीक की गई है कि रज़ाए इलाही से इंतकाल हो चुका है एलिजाबेथ क्वीन का। ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी की तरफ से तस्दीक की गई। बताया जाता है कि 96 साल की उम्र में एलिजाबेथ क्वीन का इंतकाल हुआ। तो भाई इस हवाले से आप लोग देख सकते हैं ओमान के सुल्तान जलालत और सुल्तान हैतम बिन तारिक की तरफ से शाही फरमान छाया हुआ, और इसके मुताबिक सबसे पहले तो हज़ार अफसोस किया गया ओमान के सुल्तान की तरफ से, और ये भी कहा गया कि आज ओमान का परचम भी सरसजू रहेगा। वो इसलिए क्योंकि बरतानिया और ओमान की दोस्ती बहुत ज़्यादा है, हमारे सुल्तान की भी कुछ यादें बहुत ज़्यादा है बरतानिया के साथ। इस हवाले से आप लोग देख सकते हैं ओमानी मीडिया के ऊपर भी पिक्चर्स शाया की गई ओमान के सुल्तान के साथ, साथ में ओमान की सुल्ताना भी मौजूद है। इसके अलावा और भी दीगर पिक्स वगैरह शाया की गई हैं। तो इस शाया के थ्रू हम भी एलिजाबेथ क्वीन का बहुत ज़्यादा इजहार अफसोस करते हैं। ठीक हो गया, अब बात करते हैं दीगर खबरों के हवाले से, बात करते हैं कुछ एशिया कप के हवाले से। जैसे आप लोग जानते हैं कि आज एशिया कप का आखिरी लीग मैच होगा, और फाइनल से पहले एक और मैच होगा, पाकिस्तान मुकाबला श्रीलंका, और फाइनल भी इन दोनों टीमों का होगा। तो ये आपस में एक प्रैक्टिस सेशन भी हो गया, और आज का मैच बहुत ज़्यादा अहम है दोनों टीमों के लिए। दोनों को एक दूसरे के हवाले से पता चलेगा कि कौन कितने पानी में। वैसे इस वक्त के मुताबिक गूगल क्या कहता है आप लोग देख सकते हैं, पाकिस्तान को जिताया हुआ गूगल ने 63% पाकिस्तान जीता हुआ, 37% श्रीलंका। इसके अलावा हेड टू हेड मैच देख ली जाए, आप लोग देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर के इस वक्त के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के T20 21 मैचेस हुए हैं, 21 में से 13 पाकिस्तान जीता और 8 श्रीलंका जीता, यानी कि यहां पे भी पड़ला भारी है पाकिस्तान का। तो देखते हैं कौन सा बैट्समैन आशिकी दिखाता है बल्ले के साथ, और कौन सा बॉलर आशिकी दिखाता है विकटों के साथ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, जो भी अपडेट्स होगी फौरन से पहले आप लोगों को देंगे। तो इस वक्त की अपडेट्स थी, रऊफ फजल अजीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।